कोरोना के मोर्चे पर आंकड़ों के लिहाज से आपको बताएं तो पिछले 24 घंटे में 1,636 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। 2,427 लोगों की इस वायरस से मृत्यु भी हुई है। हालांकि कल 1,74,399 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। फिलहाल देश में अगर कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो 14 लाख पर ये आ चुका है आंकड़ा, जिनका इलाज अभी जारी है। वहीं देश में बीते 24 घंटे में करीब 14 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है, ये भी अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है। ICMR के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटे में करीब 16 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग भी हुई है। और इस बीच जब कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, अलग अलग राज्यों ने अपने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आज से दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा हम अब आपके सामने रखने वाले हैं कि इन अलग अलग जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया का जो ये पहला दिन है वो कैसा रहा है। हमारे साथ मुंबई से सुबोध मिश्रा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाराणसी से विशांत श्रीवास्तव से हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया का पहला दिन कैसा रहा है। पहले दिल्ली की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, कोरोना का जो असर कम हुआ है उसके बीच दिल्ली में जो फॉर्मूला अपनाया गया है अनलॉक की प्रक्रिया का, उसमें आज से ऑड इवन के आधार पर जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। 50% क्षमता पर मेट्रो को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये बात ध्यान में जरूर रखिए, जो इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां पर फिलहाल किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं है। प्राइवेट दफ्तरों में जो काम करते हैं उनको भी 50% क्षमता के आधार पर बुलाया गया है। मार्केट मॉल जो है सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। रेस्टोरेंट हो गए, बार है, पार्क है, गार्डन, सलून और ब्यूटी पार्लर, ये तमाम जो जगह हैं अभी बंद रहेंगी। ये आपको समझना जरूरी है। जितने भी बेसिकली रिक्रिएशनल के जो जगह हैं वो अभी फिलहाल बंद रहेंगी। जरूरी सेवाएं और आवाजाही के लिए ये जो मॉल है और जो मेट्रो है उनको आधे आधे 50% क्षमता के साथ खोला गया है। ये तो बात दिल्ली की हुई है। हम आपको मुंबई अब ले चलते हैं। मुंबई में फिलहाल जो कोरोना की रफ्तार कम हुई है, महाराष्ट्र में खास तौर पर 5 फेज में अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस के आधार पर जिलों को लेवल के आधार पर बांटा गया है और मुंबई की बात करें तो लेवल 3 की श्रेणी में वो आया है। हमारे साथ चलिए आप सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे से होगी मुंबई से सुबोध मिश्रा का। सुबोध जरा बताएं आज मुंबई में क्या क्या अनलॉक हुआ है, इस ये जो फेज शुरू हुआ है अनलॉक की प्रक्रिया का उसके तहत। सर जी मैं बताऊं कि व्यापारियों की अगर नजर से कब बोलूं तो काफी समय से इस चीज का इंतजार था कि कैसे अनलॉक होगा। और जो राज्य सरकार ने जो पैटर्न बनाया है 5 लेवल का, तो जिसमें 3rd लेवल पे मुंबई को रखा गया है, 3rd लेवल में मुंबई में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अति आवश्यक चीजों से जुड़ी जो दुकानें हैं उनके अलावा अन्य दुकानें भी खुलेंगी जो सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। इस समय मैं मुंबई के ही नजदीक का जो इलाका है मीरा रोड वहां पर हूँ और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह जो है ये पूरा एक मार्केट है और इस समय खुला हुआ है पूरी तरह से। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अभी आवाजाही लोगों की है और 4 बजने वाला है और धीरे धीरे ये आवाजाही कम होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को मिली जो मैं काफी देर से यहाँ पर देख रहा था कि मिला जुला असर है, बहुत ज्यादा उतनी भीड़ नहीं है जितनी जो दुकानदार हैं उनको जो एक्सपेक्टेड थी, उस तरह का अभी यहाँ पर नजारा नहीं देखने को मिला है। लेकिन लोग जो है थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं, जरूरत की खरीदारी ज्यादा हो रही है बनस्पत की जो आम जो खरीदारी होती थी उसको लेकर के। आज पहला दिन है इसलिए हो सकता है कि लोग समझ रहे हैं, पहले जो स्थिति है उसको समझ के कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि ये हो गई दुकानों की बात। इसके अलावा जो बात करें अगर जिम की और सैलून की, जो बिना एसी के जो जिम और सैलून है उनको खोलने की इजाजत दी गई है, उसकी अभी समय यही रहेगा। और अगर हम यात्रा की बात करें तो लोकल जो ट्रेनें हैं वो अभी भी आम लोगों के लिए बंद है, अति आवश्यक जो चीजें हैं उनसे जुड़े लोगों को ही मिलेगा। जबकि जो बसेज हैं, जो बसेज में अभी
सिर्फ एक सीट पे एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत थी, अब ऐसा नहीं है। अब जितनी सीटें हैं उतनी कैपेसिटी में बस में बैठ सकते हैं, खड़े होकर के नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आम लोकल ट्रेन नहीं चल रही है तो बसेस पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, दबाव आएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राज्य सरकार ने ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू तो की है, लेकिन इसके अलावा एक चेतावनी ये भी दी है कि अगर लोग लापरवाही करेंगे और नहीं सुधरेंगे और अगर मरीज बढ़े तो वापस हो सकता है कि लॉकडाउन की स्थिति हो। इसलिए उन्होंने दुकानदारों के अलावा आम लोगों से भी इस चीज की गुजारिश की है कि वो लोग जरूर खरीदारी जरूर करें, लेकिन जो आम जो नियम बनाए गए हैं, जो शर्तें रखी गई हैं, उनका भी पालन करें। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रेस्टोरेंट और होटल है उनको भी शाम को 4 बजे तक 50% की कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। जी स्वाति जी सुबोध, मतलब कुल मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू जरूर हुई है लेकिन ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। सरकार पूरे इस अनलॉक के फेज को भी बहुत ही पैनी नजर से देख रही है। यूपी का रुख कर लेते हैं, यहां पर आपको बता दें 71 जिलों को अनलॉक किया गया है, वाराणसी में भी अनलॉक किया गया है और सिर्फ 4 जिले हैं, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू अभी फिलहाल लागू है। विशांत श्रीवास्तव से जरा और जानकारी लेते हैं। विशांत, आप वाराणसी में हैं, वहां पर फिलहाल अनलॉक की स्थिति कैसी है? आज पहला दिन कैसा रहा? क्या खुला है, क्या बंद है? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ सहित 3 शहरों को छोड़ करके बाकी सभी शहरों में 600 से कम कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। और जिन इन 3 शहरों की बात मैं कर रहा हूँ, राजधानी लखनऊ सहित, इन पे भी कल विचार किया जाएगा कि इनमें कोरोना जो कर्फ्यू है वो ख़त्म किया जाए कि ना किया जाए। तो ये एक बड़ी राहत है, आप ये कह सकते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो चुका है। 45 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर इकाई में आंकड़ा आ गया है, मतलब कि 10 से कम वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है। अगर मैं बात वाराणसी की करूं, चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे लगातार पीएम मोदी वर्चुअली संवाद करते रहते हैं, सीएम योगी खुद आते हैं, दौरा करते हैं, तो एक विशेष ध्यान रहता है वाराणसी में। तो इसके मद्देनजर लगातार यहाँ पर कवायद जारी थी, लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमित मरीजों को कम किया जाए, और आज की डेट में करीब 550 के आसपास मरीज हैं। चूँकि आज वाराणसी एक बार फिर से खुला है, अनलॉक किया गया है, तो एक बार फिर से इसने रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। मैं आपको कुछ पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे दुकानें लगभग सब खुल गई हैं, हालांकि लोगों की आवाजाही कम है। चूंकि आज पहला दिन है इसीलिए लोग सोच समझ कर आ जा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी होगा। लेकिन हमको ये ठीक है, अच्छी बात है कि हमारी संक्रमण दर कम हो गई है, रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 97 से ज़्यादा रिकवरी रेट हो चुका है, 97% से ज़्यादा संक्रमण रेट, और संक्रमण रेट बहुत कम हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 5 करोड़ टेस्ट करा लिए, पहला राज्य बना है देश में। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो जिस तरीके से 75 जिले थे, एक भयावह स्थिति हमने देखी थी उत्तर प्रदेश में, वो एकदम कहीं ना कहीं कम होती आ रही है। WHO ने भी यूपी सरकार की तारीफ की थी। पीएम मोदी लगातार वाराणसी से संवाद करते रहते हैं कि यहाँ पर कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो और टेस्टिंग लगातार होती रहे। देखिए, अगर अनलॉक की बात की जाए तो चूंकि आज से अनलॉक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग आज से घरों से बाहर निकलेंगे, तमाम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। इसके मद्देनज़र ये भी ज़रूरी है कि जो भी हिदायतें दी गई हैं, जो तमाम तरह की गाइडलाइन दी गई हैं सरकार की तरफ से, उसका पालन हो। और इसको रोकने के लिए सबसे कारगर जो चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी में अलग अग तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अलग हो रहा है, 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अलग हो रहा है। और चूंकि जो तीसरी लहर है, पीएम मोदी लगातार ये बात करते हैं कि जो दूसरी लहर है उस पर लगभग हमने नियंत्रण कर लिया है और जो तीसरी लहर है अब हमें उसकी तैयारी करनी है। तो तीसरी लहर के मद्देनजर जो बच्चों को खतरा बताया जा रहा है उसके लिए अभिभावक स्पेशल, चूंकि बच्चों की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। विशांत, आपने सही बोला कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में
पूरी तरीके से आपने कहा कि सबसे ज्यादा अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुई है और सिर्फ चार ही जिले हैं जहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि काफी हद तक यूपी में जो कोरोना है वो काफी ज्यादा काबू में है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी काफी तेज है। लेकिन हाल मुंबई महाराष्ट्र का क्या है सुबोध, जरा ये बताइए, वहां पर अभी जो हम एक अनलॉक फेज अब आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसमें जो कंटेन करने का जो एक पूरा एक प्लान है, अगर हम कोरोना कंटेनमेंट की बात करें, जोन की बात नहीं कर रही हूँ, कोरोना को काबू में करने के लिए वैक्सीनेशन हो गया या प्रिवेंशन हो गया, उसको लेकर सरकार का प्लान क्या है? आपने जरूर बोला ये कि डेफिनेटली अगर ढिलाई अगर बरती गई है, अगर लगा कि लापरवाही लोगों की तरफ से की गई है तो फिर शायद ये कड़ाई बढ़ा दी एक बार फिर से, लेकिन उस दौरान प्रशासन अपनी तरफ से क्या तैयारी करेगा और आगे आने वाले समय के लिए भी जो तीसरी लहर का डर जो बताया जा रहा है उसको लेकर भी क्या तैयारी? बिल्कुल स्वाति, राज्य सरकार जो है महाराष्ट्र की, उसने इसको बड़े ही तरीके से इस चीज का ये प्लान बनाया हुआ है। ये प्लान इसका इस तरह से है कि जितनी भी चीजें हैं, खासतौर से अगर बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर काम करना है तो निश्चित तौर पे जो लोकल अथॉरिटी है उसको इसके लिए अधिकार दिए हैं कि वो माइक्रो लेवल पे काम करे और जहां पर भी अगर लगता है कि ढिलाई हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो वहां पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाए और अगर जरूरत पड़े तो भले ही अनलॉक किया है राज्य सरकार ने, लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी को लगता है कि ये चीजें खोलनी है या ये चीजें नहीं खोलनी है तो उसको पूरे पूरे अधिकार दिए हैं। ये रही बात लोकल अथॉरिटी को देने की, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर के भी काफी जोर दिया गया है। वैक्सीनेशन की अभी ये स्थिति हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने जहां पर जो सरकारी जो अस्पताल है उसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को तो दिया ही है, इसके अलावा जो सोसाइटीज वगैरह हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एक्टिवेट किया जा रहा है, इस चीज के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो लोग भी इस चीज पे योगदान दे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। इसके अलावा जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी इस चीज के लिए वो किया जा रहा है कि वो लोग भी इस चीज के लिए आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर दो तरफा जो लड़ाई है वो दो तरफा राज्य सरकार की तरफ से लड़ी जा रही है कि किस तरह से प्रिवेंशन भी किया जाए और किस तरह से वैक्सीनेशन को भी आगे बढ़ाया जाए। वही रही बात है कि तीसरी लहर को लेकर के सबसे ज्यादा जो चिंता है वो है बच्चों को लेकर के, और बच्चों को लेकर के चिंता के चलते ही अभी कुछ दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठक की थी और उन्होंने ये बात की थी कि किस तरह से और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोगों को ट्रेंड किया जाए, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जो आम जो डॉक्टर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए। इसके अलावा बच्चों के लिए भी अलग से एक कोविड केयर सेंटर भी उसको भी बनाया जा रहा है, उसकी भी कवायद की जा रही है। इसके अलावा जो अभी जंबो कोविड सेंटर बने हुए हैं उनको, जैसे अभी कल की बात है कि कुछ को बंद किया गया, लेकिन उन सबको इस चीज के लिए तैयार रखा गया है कि जिस समय अगर ये लहर वापस आई और उतनी ही उग्र हुई तो उसके लिए किस तरह से तैयारी रहे। तो इसको लेकर के बराबर डिजास्टर मैनेजमेंट और सरकार का आपस में सामंजस्य चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि आगे जो इस बार दूसरी लहर में जिस तरह का थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ था वो आगे चल करके ना हो। साथ ही आगे चलकर ना हो। बहुत शुक्रिया सुबोध मुंबई से हम तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए, और विशांत आपका भी बहुत शुक्रिया वाराणसी से, आपने बताया कि अनलॉक की ये प्रक्रिया वहां पर कैसे आगे बढ़ी है। तो ये जो अनलॉक फेज है वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, सरकारें अलग अलग राज्यों की यही देख रही है कि कोई ढिलाई ना हो और लापरवाही अगर होती है तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस एक बार फिर से लगाने पड़ जाएं।